साथियों, जो हमारी ये लड़ाई है वैक्सीन को लेकर, मास्क को लेकर, जो चंडीगढ़ में डॉक्टर देवेंद्र बलहारा को गिरफ्तार कर लिया गया था, वो छोड़ दिया गया है, उसकी जमानत हो गई है, लेकिन ये लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है, ये लड़ाई अभी शुरू हुई है और आगे हमें इस लड़ाई को मजबूती से लड़ना है। ना ही लॉकडाउन है कुछ, और ना ही कोई बीमारी है, ना कोई कोरोना है, कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक सरकार का बहुत बड़ा गेम है। दोस्तों नमस्कार, जैसा कि आपको पता है सरकार करीब 1.5 साल से जो कोरोना के नाम पर एक जनता में खौफ पैदा करना चाहती है, हम उसका विरोध करते हैं और ये कहते हैं कि कोई लॉकडाउन ना लगाए सरकार, क्योंकि जो गरीब लोग हैं, जो हर रोज़ अपनी रोजी रोटी कमा के हर रोज़ अपना परिवार का पोषण करते हैं, उनके लिए सरकार ज़रूर सोचे। धन्यवाद। ये जो हमारे दो साथी गिरफ्तार कर लिए थे और सैकड़ों साथी वहाँ जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उनकी सबकी जमानत दे दी है और हम तीतर मोड़ का जो यहाँ सांकेतिक धरना था ये हम ख़त्म करते हैं। और भी जागरूक साथियों से और देशवासियों से कहना चाहते हैं, कोरोना और लॉकडाउन और मास्क का विरोध करें, सड़कों पे आए और लड़ें, या आपके कोरोना के नाम पर, वैक्सीन के नाम पर देश को लूट रहे हैं, देश को मार रहे हैं, जनसंख्या घटाना चाहते हैं और आम लोगों को मारना चाहते हैं, इसके विरोध प्रदर्शन में सड़कों पर आए। राम राम साथियों, ये हमारा धरना चला हुआ था डॉक्टर बलहारा और भाई पत्रकार कर्मू जो चंडीगढ़ कलर गिरफ्तार कर लेती, उनको जमानत मिल चुकी है तो वो छोड़ दिए गए हैं। ये हमारा धरना उसके वक्त में भी था, जैसे जो वैक्सीन लगा रहे हैं, जो लॉकडाउन लगा रहे हैं, जितने अधिक से अधिक लोग हो सके इसका वैक्सीन में विरोध करें। और हमारी एक और विनती है, जो मित्र इसमें लगे हुए हैं वैक्सीन लगवाने में, देखो कहता ना मैं मेरा कागज़ बनवा दे, मेरा डिप्लोमा बना दे फार्म, मैं उनसे रिक्वेस्ट हाथ जोड़ करता हूँ भाई उनका वो फार्म बनवा देना, ताकि आगे कोई दिक्कत ना आए उनको। नमस्कार साथियों, सरकार लॉकडाउन लाना चाहती है और लॉकडाउन लाकर हमारे मोटरसाइकिल इत्यादि के चालान काटकर अपने 500-500, 1000-1000 रुपए लेकर अपने जेब भरना चाहती है और इससे हमें बचना होगा। लॉकडाउन चालू नहीं रहने देना, क्योंकि अगर लॉकडाउन लग गया तो हमारे काम धंधे हैं जो वो बंद हो जाएंगे, मजदूर वर्ग मर जाएगा, इसलिए संघर्ष होकर एक होकर संघर्ष करेंगे और लॉकडाउन